खरीदना पड़ा। तो देखिए अभी हम लोग आए हैं शिवाजी नगर कॉलोनी में, यहाँ पे आपको बाढ़ दिखा रहे हैं हम लोग, कुछ बाढ़ का आप सीन दिखाते हैं, फिर उसके बाद मारुति नगर जाएंगे, फिर उसके बाद बनारस से कुछ घाटों पर चलकर दिखाएंगे कितना बाढ़ आया है क्या आया है। लेकिन उससे पहले आपको शिवाजी नगर के कुछ लोगों से बात करवाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक खड़े हैं लड़के हैं, बाढ़ में क्या कुछ आपको परेशानी सामना करना पड़ रहा है? कुछ यार, खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत मजा। सरकार कुछ नहीं दे रहा आपको? सरकार ठेका यही खुलवा दे। ठेका चाहिए बरसात भाई, बाढ़ में कम से कम डूब के जाना पड़ रहा है। कम से कम बाढ़ में कुछ दिन रुक जाइए। अरे खाना मिले या ना मिले, दारू पहले मिलना चाहिए। अरे भाई चलिए, सब सरकार से उसके लिए तब लेटर लिखना पड़ेगा, तब बात होगा। ठीक है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब हम गधे। तो फ्रेंड जैसा कि आप वीडियो में देखें, इन भाई साहब को ठेके की ज़रूरत है और इनको ठेके के बिना रहा नहीं जा रहा है। तो अगर माननीय योगी जी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके ध्यान थोड़ा इधर भी करिएगा, क्योंकि हर वर्ग में विकास करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हंसी मजाक से दूर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको अब 80 पर घाटों की क्या स्थिति है और तुलसी घाट कैसा है आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद मारुति नगर में क्या हाल है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं और वहाँ पर DM आए हैं वो क्या सहयोग कर रहे हैं, सब दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए 80 घाट पर यहाँ रोड तक पानी आ गया है और पुलिस यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी है, इससे आगे जाने नहीं दे रही है। और ये 80 घाट का नज़ारा है, यहाँ पर आरती होता है लेकिन अब तो पूरी तरह से डूब चुका है, इसीलिए यहाँ पे आरती हो नहीं पा रहा है। देखिए फिर यहाँ पे लोग बैठते थे, काफ़ी सीढ़ी नीचे तक था लेकिन अब कुछ सीढ़ी ही बाकी रह गया है। और यहाँ पे जो लोग हैं पानी देखने के लिए आए हैं, ये शंकर जी का मंदिर है और यहीं पर बगल में यहाँ पे पिज्जा मिलता है। और देखिए दादी अब फूल माला बेच रही हैं अभी भी। और यहाँ पे 80 घाट पे हनुमान जी का मंदिर है जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका ऊपर का थोड़ा सा पार्ट देखा जा सकता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि पहले यहाँ पे मंदिर था जो कि अब पानी में जलमग्न हो गया है। तो फ्रेंड चलिए आपको अब हम सुपर स्पीड में गलियों से होते हुए तुलसी घाट लेकर चलते हैं और वहाँ पर पूरा आपको नज़ारा दिखाएंगे, फिर उसके बाद सीधे मारुति नगर पहुँचेंगे और वहाँ पे DM को भी तो देखना है, बाकी है अभी और लोगों से मिलना है, तो इसीलिए वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए मारुति नगर में आए हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि बाढ़ आ चुका है। अगर आप लोग मारुति नगर, सामने घाट, शिवाजी नगर, छित्तूपुर, महेश नगर, तारा नगर इस एरिया में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पानी बहुत स्पीड में बढ़ रहा है और मारुति नगर पूरी तरह से डूब चुका है।
तो चलिए आपको कुछ दिखाते हैं कैसे लोग यहाँ परेशानी का सामना कर रहे हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो लाइक करें, शेयर करें, दूर दूर तक इधर आपको कोई नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ सब लोग छोड़ करके जा चुके हैं अपना एरिया, इधर कोई नहीं रह रहा है अब। लेकिन हम लोग अपने जान को रिस्क में लगा करके यहाँ पर आए हैं आप लोगों को बस दिखाने के लिए। तो आइए कुछ दिखाते हैं मारुति नगर में क्या स्थिति है। क्षेत्र में पूरा पानी भर चुका है, इधर दूर दूर तक बाढ़ आ गया है और लोग अपना घर छोड़ करके पलायन कर गए यहाँ से, अपने गांव या कहीं दूर जा करके इस एरिया से बाहर जा करके अब रह रहे हैं। इधर दूर दूर तक पूरा पानी भरा हुआ है और काफ़ी स्पीड में पानी आगे भर रहा है, इधर आपको एक लोग नहीं दिखेंगे। लेकिन हम लोग पानी में आ करके कमर इतने पानी में खड़े होकर के आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बाढ़ की स्थिति क्या है, भयानक मंजर देख लीजिए। फ्रेंड्स, हम सामने घाट स्थित मारुति नगर में आ गए हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है और इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर बांटा जा रहा है। यहाँ पर हमारे माननीय DM श्री कौशल राज शर्मा जी भी आए हुए हैं जो कि बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री या जरूरत की सामान बांट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको क्या परेशानी हो रही है और क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे DM इस क्षेत्र में राहत की सामग्री बांटने के लिए निकले हुए हैं और यहाँ पर NDRF की टीम हमेशा मौजूद रह रही है और यहाँ पर एक नाव हमेशा रह रहा है, जिसको आना है जाना है वो इस नाव से बैठ करके अपने घर आ सकता है, फिर यहाँ रोड पर उसी नाव से वापस भी आ सकता है। अगर किसी को कुछ जरूरत का सामान खरीदना है तो उसके लिए एक नाव मुफ्त में हमेशा अवेलेबल है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई है। क्या अंकल जी, अब पानी देख रहे थे आश्रम में बाढ़ आ ही गया। लेकिन फ्रेंड्स, इस बोर्ड पर वाराणसी के DM कौशल राज शर्मा और लेखपाल बैठे हैं जो कि राहत सामग्री बांट करके अभी आ रही हैं। हाँ, सामान लाइए, सामान लाइए। कौन इस हैंडलर कौन है? बोले ड्यूटी जा रहे हैं? परिवार तो सब जीवा। अकेले हैं आप? ना, अच्छा परिवार है। अच्छा, तो खाना मिल रहा है? बस कहे के आप बनावा खा के चार पकड़ खरीदना पड़ रहा है। हाँ। मिल नहीं रहा कुछ? चार पकड़ ले जाएगा, आराम से लेगा, फिर खाता था। सबसे बढ़िया एक नंबर। अरे भैया, उधरी सब लोग जाने वाला, तो कितना लोग बैठोगे? चार आदमी का ये सवारी है, या तो आप ही लोग फिर जा लो। उधर जाए कि यहाँ पर लोगों को अपने घर में आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि एक नाव पे चार लोगों से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं और आने जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा ही हैं, तो इसीलिए अगर नाव की व्यवस्था थोड़ी और की जाए तो लोग आसानी से आ जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और इससे आपको घर बैठे ही बाढ़ की एक मतलब लोकल तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आपको बस सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।